नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इस बीच आपराधिक वारदात की खबरें भी आ रही हैं। और एक खबर आई है सहरसा से, जहां पर दियारा के आतंक कहे जाने वाले रामानंद यादव को उनके ही साथियों ने गोली मार दी है। तो रामानंद यादव की इस शूटआउट में मौत हो गई है। रामानंद यादव के दो लोग भी घायल हुए हैं और उनका गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। खबर के अनुसार रामानंद यादव पर उस समय हमला हुआ जब वो अपने इलाके में बैठे थे कुछ लोगों के साथ। अचानक घोड़े पर सवार कुछ लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो रामानंद यादव ऐसे ही उस इलाके के लिए बहुत आतंक थे और उनकी हत्या होने से आम लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन प्रशासन और शासन के लिए चुनौती है कि कोरोना संकट के बीच भी गैंगवार थम नहीं रहा है। तो गैंगवार में दियारा के आतंक रामानंद यादव की हत्या हो गई है। खबर है कि जब ये हत्या हुई तो रामानंद यादव के समर्थक भी जुट गए, उन्होंने भी अपने विरोधी पक्ष पर जमकर गोलीबारी की, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। और लगातार इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, बहुत दिन बाद इस तरह की बड़ी वारदात की खबर आई है। पुलिस सड़क पर है, लोग घरों में हैं, इसलिए आपराधिक वारदात की घटनाओं में बहुत कमी आई है। लेकिन इस बीच एक गैंगवार में एक बड़े कुख्यात अपराधी के मारे जाने की खबर आई है, जो राहत भी देने वाली है और हमें सावधान भी करने वाली है कि आपको भी पुलिस प्रशासन को अपराध के नियंत्रण में सहयोग करना है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करना है। क्योंकि जब तक आप हम मिलकर पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे, पुलिस कैसे एक साथ कोरोना संकट से निपट पाएगी, कैसे अपराधियों को लगाम लगा पाएगी। तो अपराधियों पर पुलिस लगाम लगा सके, कोरोना संकट में फंसे हुए लोगों की मदद कर सके, इसलिए आपका हमारा सहयोग बेहद जरूरी है। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट को लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, यह सहयोग समर्थन आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।